कुछ हमारे पास में रिकॉर्ड ऑडियो भी आया है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं सुनाऊंगा भी। जो है बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, सपा के कैंडिडेट को जिताने के लिए बीजेपी पूरा, बीजेपी के जो कुछ लोग हैं पदाधिकारी हैं, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी के प्रत्याशी के साथ फोटो खिंचाएंगे, उसके टाइम में बोलेंगे साइकिल, नहीं तो फोन करेंगे तो बोलेंगे साइकिल, मतलब एकदम शॉर्टकट में बोलेंगे। ये क्या मतलब है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सबसे कि अगर आप एक पार्टी का वोट मांगिए ना, आप बीजेपी से जो है तो बीजेपी का वोट मांगिए। भाजपा के लोग जो सपा को जिताना चाहते हैं, अभी बीते जो है इलेक्शन गया विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन में सपा की जो 8 प्रत्याशी है, उजमा रशीद, इन्होंने भीतरघात करके, इनके पिताजी भी उस टाइम जीवित थे, आज नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं और मरे हुए व्यक्ति के बारे में वैसे भी कुछ नहीं कहा जाता। उस टाइम इन्होंने भाजपा की मदद की, करीब 7 से 8 हज़ार जो है मुस्लिम वोटों को भाजपा की तरफ डाइवर्ट किया, जिसमें प्रतीक भूषण इलेक्शन जीत गया। चलो अच्छी बातें करो, ये चुनाव निर्दल का नहीं रह गया है, अब ये चुनाव सभी ने व्यक्तिगत ले लिया है कि ये चुनाव हमारा चुनाव है, ये चुनाव शहर की जनता का चुनाव है, ये चुनाव नगर पालिका के लोगों का चुनाव है। जिसने लगातार लोगों के लिए 17 साल तक संघर्ष किया हो, चाहे दिन हो रात हो, खुशी हो गम हो, हर परिस्थिति में वो आदमी चट्टान की तरह खड़ा रहा लोगों के साथ, और जब जब मौका आया तब तब उसके साथ षड्यंत्र किया गया, उसको गिराने का प्रयास किया गया। क्यों? अगर टिकट दिया जाएगा तो 95-5 का इलेक्शन होगा। मैं लोगों से अपील करता हूँ, आप पुराना रिकॉर्ड देखिए कि 3 चुनाव में जब जब आप लड़े, एक बहुत बड़े वोटों का हिस्सा आपके साथ रहा है और षड्यंत्र कर करके आपको हमेशा पीछे करने का प्रयास होता रहा है। अगर आज आप लोगों ने निर्मल श्रीवास्तव का साथ नहीं दिया, जनता ने साथ नहीं दिया, तो ये जनता पछताएगी, हम सब पछताएंगे। इसीलिए सबसे निवेदन है कि साथ दें। सुख दुख में बीजेपी के कैंडिडेट कहीं नहीं आते थे। रही बात जो चेयरमैन रही हैं, पूरे शहर में गंदगी भरी हुई है, नाले सब बह रहे हैं, किसी प्रकार कोई विकास नहीं, पानी का कोई निकास नहीं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं। सबके सुख दुख में रहते हैं, पार्टी के सुख दुख में भी रहते थे। क्या ऐसा काम कर दिया पार्टी वालों ने जो इनका टिकट काट दिया? पार्टी की सारी व्यवस्था ये देखते थे, तो ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो उनका टिकट कट गया? जब सारी व्यवस्था आप देखते हो, आप पार्टी में शामिल हो, आप पार्टी की व्यवस्था देखते हो, इनका टिकट काट दिया गया। वो राजेश चंदानी जिनके साथ साथ चलते थे, इनका प्रचार करते थे। पीएफ का घोटाला यहाँ लगभग 3 करोड़ रुपए किया गया है, और सफाई कर्मचारियों का, जो सबसे निरीह कर्मचारी है उन्हें, सफाई कर्मचारी, उनका घोटाला कर लिया गया। 5 साल का अनुभव है मेरे पास, अगर आपका आशीर्वाद होता है तो पिछली बार काम नहीं कर पाए, लेकिन अनुभव है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बेहतर काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, उसका संगठन बहुत अच्छा है, उसके लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद 1-2 लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ और पैसे पे सारी चीजें मैनेजमेंट करके मेरा चुनाव कटवा दिए, टिकट कटवा दिए, और आज ये स्थिति आपके सामने है। और लगातार ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा, चूंकि हमारे संगठन के ही अधिकारी हैं वो 1-2 जिम्मेदार अधिकारी, उन्हीं लोगों के द्वारा अभी हमको पता चला कि चेयरमैन निर्मल श्रीवास्तव को चुनाव में बैठ गए, ये उनके द्वारा एक अफवाह फैलाया जा रहा है। नाम अभी मैं यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व हमसे पूछेगा तो मैं उनको जरूर बताऊंगा। ये कल का जब मैं चेयरमैन था तो ये हुआ कि सबसे गंदा शहर पूरे देश में आया, लेकिन उसका कारण था, इस साल के बीच में हमको काम नहीं करने दिया गया, साल के भीतर ही हमारा पावर सीज करा दिया गया। और आपको उस समय बताएं कि जब पावर सीज कराया गया तो मैं यहाँ से चला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ 7 वकील रखाए गए। भगवान राम को भी 14 साल वनवास के बाद उनको गद्दी मिल गई थी, और मैं 17 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप पिता और भाई की तरह मेरी मदद